हेलो गाइज, मेरा नाम है भरत और आज मैं खड़ा हूँ महिंद्रा के ट्रक एंड बस के शोरूम में। आप देख सकते हैं कॉमर्शियल ट्रक के शोरूम में। यहाँ पे लाइन से ट्रक एंड बसें लगी हुई है, वहाँ पे तो पूरी ट्रकें लगी हुई है, यहाँ पे लाइन से बसें लगी हुई है। और आज मैं आपको इस वीडियो में महिंद्रा क्रूजियो की पूरी डिटेल दूंगा, जो कि आप सामने देख रहे हैं महिंद्रा क्रूजियो स्कूल बस जो कि हमारे सामने खड़ी हुई है। ये फोर व्हीलर स्कूल बस है जो कि आप सामने देख रहे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में महिंद्रा क्रूजियो 2023 मॉडल बस की पूरी डिटेल दूंगा, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर इसके इंजन के बारे में वो सब डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। और कैसे लगती है आपको मेरी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह इसकी सामने की लुक महिंद्रा क्रूजियो स्कूल बस की, येलो कलर में हमारे सामने ये बस खड़ी हुई है। इसके साइड में ये आप देख सकते हैं छः चक्कों को भी खड़ी हुई है, लेकिन हमारे सामने ये चार चक्कों की बस है, मतलब छोटी आप कह सकते हैं महिंद्रा क्रूजियो। तो इस टाइप से आपको सामने की लुक मिलती है। काफ़ी बड़ी आपको विंडशील्ड मिल जाती है जो कि यहाँ पे आपको दी गई है, काफ़ी बड़ी आपको विंडशील्ड मिलती है। उसको साफ करने के लिए आपको यहाँ पे दो वाइपर दिए गए हैं, एक ये और एक आपको यहाँ पे ये वाइपर मिलता है कुछ इस टाइप से। और यहाँ पे आपको वॉशर मिलते हैं, ये वॉशर की आप देख सकते हैं ये पाइप जा रही है, मतलब इन वाइपर में ही पानी आता है ऑटोमेटिकली, कहने का मतलब देख सकते हैं इन वाइपर से ही पानी आता है। और यहाँ पे आपको महिंद्रा की ब्रांडिंग मिलती है जो कि आपको क्रोम में दी गई है। और यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाता है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे आपको स्कूल बस की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पे आपको क्रूजियो की ब्रांडिंग मिलेगी। और यहाँ पे आपको नीचे कुछ इस टाइप से हेलोजन में हेडलैम्प मिलते हैं जो कि अभी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस टाइप से इसकी हेडलैम्प ऑन होती है, मतलब अभी पार्किंग लैम्प ऑन हुई है, जब इसका इंजन ऑन होता है तो हेडलैम्प ऑन होती है। इसमें आपको हेलोजन में हेडलैम्प मिलते हैं, गोल शेप में आपको दो लाइटें दी गई है। और यहाँ पे आपको हेलोजन में ऊपर इंडिकेटर मिलेंगे। इस टाइप से आपको नीचे बम्पर मिलता है, वो भी येलो कलर में दिया गया है। और नीचे आपको यहाँ पे पूरी रेडियम की पट्टियाँ वगैरह मिल जाती है जो कि रात में ग्लो वगैरह करती है। ये एक स्कूल बस है इसलिए इसका कलर येलो है। और ये इसकी साइड से लुक, ओवरऑल आप इसकी लुक देख सकते हैं। इसकी विड्थ और लेंथ आपको सामने दिख रही होगी, मतलब ज़्यादा लंबाई में यह बस नहीं है क्योंकि ये कम सीटर में ही दी गई है। इनकी 26 सीटर 51 सीटर 26 सीटर 31 सीटर बसें आती हैं, आप ये देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसकी सामने की लुक है। अभी मैं आपको इसकी और भी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। सबसे पहले इसकी इंजन की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें आपको 2500 सीसी का इंजन मिलता है 4 सिलेंडर का, जो कि आपको देता है 80 HP की पावर। और यहाँ पे आपको टायर दिया गया है फ्रंट का MRF का, आपको उसमें टायर मिलता है। इसके साइज़ की बात करें तो वो आपको यहाँ पर दिया गया है 7.50 का 16 इंच का आपको टायर मिल जाता है। और यहाँ पर इसमें नीचे इंजन लगा हुआ है 2500 सीसी का। और यहाँ पर आपको हेलोजन में इंडिकेटर मिलता है साइड में। और यहाँ से इसका ड्राइवर का गेट वगैरह ओपन होता है। यहाँ पे आपको आउटसाइड मिरर मिल जाते हैं। और ये इसकी साइड की लुक, यहाँ पे आपको महिंद्रा लिखा मिलेगा वो भी क्रोम में। और यहाँ पे आपको पूरा स्टिकर में क्रूजियो वगैरह लिखा मिलेगा। यहाँ पे एडब्लू का टैंक दिया गया है, पीछे आपको डीजल का टैंक मिलता है, मतलब यहाँ से आप इसमें फिल करते हैं, यहाँ से ये डीजल की टैंक दी गई है कुछ इस टाइप से इतनी नीचे। और एडब्लू के बाद की बात करें तो यहाँ से इसकी एडब्लू का टैंक दिया गया है कुछ इस टाइप से। यहाँ पे इसमें ये मिलते हैं। और ये इसका रियर का टायर। और यहाँ पे आपको इमरजेंसी का गेट मिल जाता है, मतलब इस कांच को फोड़ के, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी कुछ इमरजेंसी वगैरह हो जाए, बस में आग वगैरह लग जाए, ऐसे एक्सीडेंट हो जाए, तो ये इमरजेंसी में ये डोर काम आता है। अभी मैं आपको इसकी रियर की लुक दिखा देता हूँ। ये इसकी रियर से लुक कुछ इस टाइप से इसकी रियर से लुक दी गई है महिंद्रा क्रूजियो की। ऊपर भी आपको लाइटें मिलती है, अभी हल्की हल्की जल रही है, आपको पता नहीं दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी। और ये इसकी रियर से लुक, यहाँ पे आपको हेलोजन में इंडिकेटर, ये इसके टेल लैम्प, हेलोजन में इंडिकेटर, रिवर्स के लैम्प वगैरह मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील का ये लोग कुछ इस टाइप से, यहाँ पे आप इसमें डालकर स्पेयर व्हील नीचे ला सकते हैं। और इसमें आपको 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं रिवर्स में। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर दिए गए हैं 1, 2, 3 और 4। और नीचे की बात करें तो इस टाइप से यहाँ पे नीचे स्पेयर व्हील दिया गया है, यहाँ पे नट को ढीला करेंगे तो स्पेयर व्हील नीचे आ जाता है। और ये इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी, इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। और रियर में भी ये रियर का डोर भी, आप मतलब रियर का कांच है वो भी इमरजेंसी के तौर पर आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, बच्चों को बाहर वगैरह निकालना हो इनकेस इमरजेंसी हो जाए तो। अभी मैं आपको इसके इंटीरियर की लुक दिखा देता हूँ। यहाँ से इसका डोर ओपन होता है ड्राइवर के लिए कुछ इस टाइप से, ये इसका ड्राइवर साइड डोर दिया गया है। और यहाँ से इसमें ड्राइवर चढ़ता है, फुट स्टेप वगैरह दिए गए हैं। ये इसकी हैंड ब्रेक है। और ये इसका डैशबोर्ड, अभी मैं आपको एक एक इसके फीचर बताता हूँ इंटीरियर के। यहाँ से यह पकड़ने के लिए दिया हुआ है, इसको पकड़ कर इसमें ऐसे चढ़ सकते हैं
और ये इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ इस टाइप से इसका स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। और यहाँ पे इसमें आपको कुछ इस टाइप से मीटर मिलता है, 4000 तक की RPM दिया गया, 140 तक इसकी स्पीड है, बीच में आपको MID मिल जाती है। और यहाँ पे आपको फ्यूल का लेवल, इस साइड में आपको टेम्परेचर का लेवल वगैरह शो होगा, बीच में ये बटन दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से ये कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे बैटरी वगैरह के मतलब ये बटन दिए गए हैं, ये आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको बटन वगैरह मिल जाते हैं। और ये इसकी स्टीयरिंग व्हील, लाइट के आपको कंट्रोल यहाँ पे मिलेंगे, इस साइड में आपको वाइपर वगैरह के कंट्रोल मिलेंगे। और ये इसकी सामने की विंडशील्ड, यहाँ पे आपको बड़ा सा आईआर व्यूम मिल जाता है, जिससे कि ड्राइवर रियर के बच्चों वगैरह को देख सकता है। ऊपर आपको अलार्म दिया गया, क्योंकि इसमें आपको इमरजेंसी अलार्म वगैरह मिल जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी एक्सीडेंट हो जाए, आग वगैरह लग जाए बस में तो, और इमरजेंसी हो जाए तो इमरजेंसी का यहाँ पे आपको बटन भी दिया गया है फायर वगैरह का इसके नीचे। कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे अलार्म वगैरह भी मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं पूरे फायर के अलार्म वगैरह आपको दिए गए हैं। और यहाँ पे इमरजेंसी का बटन मिलता है, वो अलार्म था, यहाँ पे ये बटन मिलता है कुछ भी इमरजेंसी वगैरह हो जाए तो। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से प्लेट वगैरह मिल जाती है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह महिंद्रा की। और ये ड्राइवर के लिए आपको एक फ़ैन मिलता है, जिससे कि ड्राइवर को गर्मी वगैरह में बस को चलाने में आसानी रहे। यहाँ पे आपको बड़ा सा सन वाइजर दिया गया है। और ये इसका फ्रंट का डैशबोर्ड, नीचे का कुछ इस टाइप से आपको ओवरऑल डैशबोर्ड मिलता है। और गियर की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको 5 स्पीड का मैनुअली गियर बॉक्स दिया गया है। यहाँ पे आपको हज़ार लैंप वगैरह की स्विच वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे आपको लाइटों वगैरह के स्विचें वगैरह दी गई है। कुछ इस टाइप से ये फैन वगैरह का यहाँ पे बटन वगैरह दिए गए हैं। ये इसकी बीच की लुक, डैशबोर्ड में कुछ इस टाइप से जगह मिल जाती है। और ये ड्राइवर के साइड में को ड्राइवर के लिए आपको सीट दी गई है, और ड्राइवर के लिए आपको प्रॉपर सीट बेल्ट मिल जाती है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट किट मिल जाती है, मतलब ये ज़रूरी है कुछ भी हो जाए इनकेस एमरजेंसी वगैरह तो। यहाँ पे भी आपको को ड्राइवर के लिए भी ये इमरजेंसी का बटन दिया गया है। रूप में आपको लाइट मिल जाती है, जो कि आप आगे से ऑन करेंगे। अभी इस बस में थोड़ी बैटरी वगैरह मतलब वीक है, इसलिए मैं ऑन करके आपको नहीं दिखा सकता, इसलिए मैंने वहाँ पे चाबी वगैरह नहीं लगाई, नहीं तो मैं आपको पूरी स्टार्ट वगैरह करके दिखा देता। ये नोटिस बोर्ड वगैरह दिया गया है। और ये इसकी सीटें, कुछ इस टाइप से आपको सीटें दी गई है, कुछ इस टाइप से आपको सीटें मिल जाती है बच्चों के लिए। ये ज़्यादा छोटी बस ही है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, बड़ी भी आती है साइड में, उसको मैं आपको रिव्यू दूंगा। इस साइड में ये इसमें हेमर लगा हुआ है, अगर इनकेस इमरजेंसी हो तो उसको, यहाँ पे इमरजेंसी गेट है उसको भी तोड़ा जा सके, या फिर रियर के इस कांच को तोड़ा जा सके। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से बटन वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं इमरजेंसी के। यहाँ पे बच्चों के स्कूल बैग वगैरह रखने के लिए प्रॉपर ये दिए गए हैं। यहाँ पे भी आपको ऊपर LED में लाइट मिल जाती है। और फ्लोर की बात करें तो कुछ इस टाइप से आपको फ्लोर दिया गया है महिंद्रा के स्क्रूजियो में। यहाँ पे आप फायर एक्सटिंग्विशर का टैंक वगैरह मिल जाता है। सेफ्टी का महिंद्रा ने काफ़ी ध्यान रखा है, ये चीज़ मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी। ये इस बस का इंटीरियर, यहाँ पे भी आपको रियर में एक फायर एक्सटिंग्विशर का टैंक आपको मिल जाता है। कुछ इस टाइप से आपको सीट मिलती है, अभी तो पन्नियाँ चली हुई है, फैब्रिक की आपको सीट दी गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप दो आसानी से बैठ जाएंगे, और तीन बच्चे इस साइड में बैठ जाएंगे, और 6 बच्चे रियर में। कुछ इस टाइप से इसका, और यहाँ से डोर ओपन होता है। अभी उस साइड में बस खड़ी हुई है, जगह नहीं है, इसलिए मैं इस साइड से ही आया था। कैसी लगी आपको महिंद्रा क्रूजियो की ये बस, महिंद्रा की, कमेंट्स, महिंद्रा क्रूजियो इसका नाम है, कैसी लगी आपको ये बस कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। ये मैंने ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, बस मैंने इसका वॉकराउंड वगैरह, थोड़ा इसके इंजन के बारे में यही चीज़ें मैंने आपको बताई। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।